बिहार में लोकसभा के उपचुनाव में नीतीश कुमार के मुंह पर जैसे ताला जड़ दिया है। नरेंद्र मोदी को लेकर अब नीतीश कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। स्वयं कभी नहीं देखा कि कई प्रकार के पोस्टर करते हैं। नीतीश बाबू को अचानक कुछ हो गया है, ना वो देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं और न पढ़ पा रहे हैं। दिल्ली की रैली में नरेंद्र मोदी पर गरजने वाले बिहार के मुख्यमंत्री अब मोदी के नाम पर होठ सिले बैठे हैं। मुद्दा मोदी का नीतीश पर हमले का है। नीतीश कहते हैं कि ना उन्होंने सुना न पढ़ा, और जब न आंख ने काम किया न कान ने काम किया तो जुबान कैसे काम करती। खामोश रहे नीतीश कुमार ने भले ना कुछ देखा न सुना और न पढ़ा, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोला करते, उसकी आंखों में दर्ज हो जाते हैं इतिहास। नीतीश जी के पेशे नजर है नरेंद्र भाई का वो प्रवचन। मैंने ऐसी सरकारें देखी हैं, ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी सरकार के मुश्किल से साल दो साल हुआ हो और कहीं अपने ही जनता के बीच कहीं जाने का अवसर हो जाए तो या तो लोग काले झंडे दिखाते हैं या पत्थर फेंकते हैं। वैसे नीतीश बाबू को आजकल वो पोस्टर भी नहीं दिख रहे जिन पर उनके साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छपी थी। बिहार के मुख्यमंत्री मोदी के साथ इस तस्वीरी मित्रता पर मोहित तो नहीं है, लेकिन क्रोधित भी नहीं है। आइए ये ताजा ताजा पोस्टर आपको भी दिखा दें, जरा गौर से देखिएगा। एक ही पोस्टर में दो दो चेहरे चुंबक की तरह चिपके हुए, एक तरफ ये रहे बिहार वाले नीतीश कुमार और दूसरी तरफ ये रहे गुजरात वाले नरेंद्र भाई। अब सवाल ये है कि मोदी के नाम से ही बिदकने वाले नीतीश बाबू को अब क्या हो गया है। डॉक्टरी भाषा में इस बीमारी को सियासत कहते हैं। महाराजगंज में 2 जून को लोकसभा के उपचुनाव है, जेडीयू के उम्मीदवार की वहां परीक्षा है। ऐसे में नीतीश मोदी से बिदक कर बीजेपी से बैर नहीं लेना चाहते, क्योंकि सीट है तो सियासत है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।